सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की टॉप 100 नहीं बल्कि टॉप 3 सीड। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको माइनक्राफ्ट की टॉप सीड देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप लोग भी माइनक्राफ्ट की सबसे मिस्टीरियस एंड सबसे डार्कनेस सीड के बारे में जानना चाहते हो तो आपको बस हमारी ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है और आप भी अपने माइनक्राफ्ट को आज तक का सबसे ज़्यादा डेंजर और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस वर्ल्ड देख पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको मैं लेके चलता हूँ माइनक्राफ्ट के इस नए वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड 1.14 का है, यानी कि ये जो सीड है ये 1.14 में 100% काम करती है, लेकिन आज मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ 1.19 में। जी हाँ, आज मैं इसे 1.19 में ट्राई करूँगा और पता करूँगा क्या 1.14 में भी ये सीड उसी तरह से वर्क करती है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस कमाल की सीड के अंदर हम चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने वर्ल्ड का नाम दे देना है, उसके बाद आपको अपनी सीड के अंदर आना है और सीड में आपको डालना है 15268479358259। आपको ये वाली सीड डाल देनी है, उसके बाद आप अपने हिसाब से सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो और अपने वर्ल्ड को आप जनरेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेता हूँ। तो हमारा स्पॉन पॉइंट होगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो मैं एक ट्री के ऊपर स्पॉन हुआ हूँ और मुझे यहाँ पे स्टोन भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ से अपने लिए सबसे पहले जो है वुड कलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट जाकर अपने लिए जो है वहाँ से स्टोन के टूल कम्प्लीट करके आपसे मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए स्टोन कलेक्ट कर लिए और एक स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ। स्टोन की पिकैक्स ओके, एक पिकैक्स बना लेता हूँ और अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ किस तरफ जाना चाहिए मुझे, तो मैं इसी तरफ जाने वाला हूँ सीधा और अपने लिए जितना भी फूड होगा वो भी मैं कलेक्ट करता जाऊँगा ताकि मुझे फूड की कोई कमी ना हो। और इस जर्नी के अंदर मैं पता करूँगा क्या इस वर्ल्ड के अंदर कोई मिस्टीरियस डार्कनेस हमें देखने को मिलती है या नहीं। तो दोस्तों चलिए आज की जर्नी हम शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी विलेज या फिर किसी टापू पर। तो दोस्तों, आखिरकार मैं 3000 ब्लॉक कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं ओशन में पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी मिस्टीरियस डार्कनेस देखने को नहीं मिली है। तो मैं अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करूँगा और उसके बाद आपसे मिलूँगा। तो यहाँ पे मुझे बोट चलानी पड़ रही है अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, साथ ही मेरा ढेर सारा फूड भी कम होने लगा है और यहाँ पे मेरे पास हार्ट भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे मुझे अक्सर जानवर मारने को आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जर्नी कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट मैं 10,000 ब्लॉक कंप्लीट करने वाला हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मुझे अभी तक कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। तो हो सकता है कि 1.19 में इसे फिक्स कर दिया गया हो। तो अगर आप लोग इस सीड को ट्राई करना चाहते हो तो 1.14 में आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे ये 100% काम करती है और 1.19 में इसे बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, इसके अंदर कोई भी ग्लिच हमें नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।